मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसके पहले मैंने काफी सारे वीडियोस डिप्रेशन के ऊपर डाले हुए हैं। एक नया इंसाइट मुझे जो समझ में आया वो आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि बचपन से हमारा पालन पोषण ही ऐसा हुआ है, परवरिश हमारी ऐसी हुई है कि माँ बाप से हमको आता है कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, वहां गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फलाना अच्छा नहीं है, कम मार्क मिले तो कम मार्क क्यों मिले, तू अच्छा दिखता नहीं है, तू पागल जैसा करता है, तू मूर्ख है, मतलब ऐसा कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग होते रहता है। माँ बाप खुद भी ऐसे बम्बार्डिंग को निगेटिव इमोशंस से रेस्पॉन्ड करते। माँ बाप खुद भी निगेटिव इमोशन मतलब टेंशन में आना, दुखी होना, रोना धोना, ऐसा माँ बाप भी करते। मतलब माँ बाप एक तो निगेटिव थॉट्स बच्चों के अंदर डालते हैं, निगेटिव इमोशंस बच्चों के अंदर डालते, और बच्चे बचपन से सीखते रहते हैं, छोटी छोटी बातें हमको मालूम भी नहीं, वो सीखते रहते। तो निगेटिव थॉट्स और निगेटिव इमोशंस, और निगेटिव इमोशंस मेरा मतलब यह है कि दुख, नर्वसनेस, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसे निगेटिव इमोशंस जो है, तो मतलब ऐसा अंदर से कुछ भी सुनना, सुन लगना, ऐसे इमोशंस डालते रहते हैं अंदर। अब होता क्या है कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में ऐसे कुछ भी हो जाए वातावरण में, तो उसका उसके ऊपर प्रभाव होता है और वो वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे माँ बाप ने रिएक्ट, बाय निगेटिव थॉट्स, बाय निगेटिव इमोशन, एक तो वो है। दूसरा यह है कि ब्रेन ऑटोमेटिकली कम से कम 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज हमारे ब्रेन में आते रहते, और उसमें ज्यादातर निगेटिव थॉट आते रहते हैं और उसके साथ साथ निगेटिव इमोशंस रहते। होता क्या है कि नॉर्मली जो थॉट निगेटिव आते रहते हैं उसके ऊपर व्यक्ति नजर देता नहीं है, उसके ऊपर ख्याल देता नहीं, वो अपने काम में बिजी रहता है। तो ये अंदर बाहर आना जाना होता है, मतलब अंदर जाना, अंदर घुस जाना, वहाँ निगेटिव थॉट्स, निगेटिव इमोशंस है, और बाहर काम करना, लोगों के साथ में रहना, वर्क करना, पैसा कमाना, धंधा पानी करना, लोगों से बातचीत करना, वो बाहर आ रहा है। तभी निगेटिव थॉट होने के बाद में उसको बाजू में रखता है और अपना काम धंधा करता है। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि निगेटिव थॉट्स और निगेटिव इमोशंस में अंदर इतना घुस जाते हैं कि वो बाहर आते नहीं, और वो विशेष साइकिल में अंदर ही अंदर 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 फंस जाते, और वहां से फिर उनको डिप्रेशन चालू हो जाता। मतलब वो जो निगेटिव थॉट्स और निगेटिव इमोशंस है, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावनाएं, इसमें वो अंदर ही रहते हैं, बाहर आते नहीं, और वहां से फिर जो भी चेंजेस ब्रेन में होते होंगे, भेजे में होते होंगे, वो होते हैं, वहां से बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो होते हैं, और फिर उनको लगता है कि मेरा काम में मन नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं काम करने की, कोई मन लगता नहीं है, कोई एंजॉय नहीं कर सकता, दुख लगता है, रोना आता है, जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स में दया है वो वैसे सिम्टम्स ही होते, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि यदि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े तादाद में, नंबर्स में निगेटिव थॉट्स, उसके साथ में निगेटिव इमोशंस है, वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेते बॉडी को, और फिर नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावनाएं ये पैदा करेंगे, फिर रोना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह निकल जाना, थकान आ जाना, बोझ लगना, मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन है, घबराहट है, बेचैनी है, थक जाना है, घर में बैठे रहना है, काम पे नहीं जाना, फिर ये सब शुरू हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गया। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो ये देखना पड़ेगा कि इतने जो ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स जो है उसको सच मानना इसने कब से चालू किया, मतलब उसके ऊपर वो सच मानना चालू कर देता कि वो सच्ची है, तो उसको वो व्यक्ति को ये हमने बताना चाहिए थ्रू काउंसिलिंग, और हम वो करते रहते हैं हमारे काउंसिलिंग से कि भाई ये जो थॉट्स है वो थॉट है, वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, कुछ तो भी बचपन में हुआ उसके वजह से ये थॉट आ रहे हैं निगेटिव, कुछ तो भी बचपन में हुआ, माँ बाप ने आपको सिखाया कैसा रेस्पॉन्ड करना, इसलिए नकारात्मक भावनाएं भी आ रही है, ये रियलिटी नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये आप अंदर घुस रहे, अंदर उसके ऊपर विश्वास कर रहे, वो आपको वास्तविकता लग रही है, वो आपको रियलिटी लग रही है, वो ऑटोमेटिक है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि चलो कंट्रोल करके देखो, यदि वो आपके थॉट्स है और आपने लाए हुए है, कंट्रोल करो, थॉट्स कंट्रोल होते नहीं, चालू रहते हैं, चलो भावनाएं करो कंट्रोल में, भावना भी कंट्रोल में होती नहीं है, इमोशंस कंट्रोल में कहाँ होते रहते, थॉट्स भी कंट्रोल में आते हैं, तो ऑटोमेटिक चालू है ना वो अंदर, उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक आ रहे, तो फिर ऑटोमेटिक जब आ रहे हैं वो थॉट्स, तो उसके ऊपर भरोसा क्यों करना, उसको रियल क्यों मानने का, उसको रियल न मानते हुए रियलिटी क्या है, रियलिटी में क्या मेरा हो जाएगा, भविष्य में क्या हो जाएगा, भविष्य मुझे अंधकार में लग रहा है, भविष्य में पता नहीं सब बुरा हो जाएगा, भविष्य की बहुत चिंता लग रही है, कैसा होगा मालूम नहीं, इससे ज्यादा, इससे अच्छा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा तो अच्छा हो जाए, क्या ये रियलिटी है, क्या ये सच है, क्या वास्तविकता है, कि आपको सिर्फ लग रहा है, आपका सिर्फ एक्सपीरियंस है, आपके सिर्फ विचार है कि एक्चुअली में है, एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है, आपको अंदर अंदर लग रहा है। हम इसको इसमें बोलते हैं कि भाई तो दवाई लो, और दवाई के साथ साथ फिर आप बाहर आना चालू करो, बाहर आना मतलब अंदर से बाहर की रियलिटी में आओ, वास्तविकता में आओ, लोगों के साथ में टाइम बिताओ, बाहर घूमो फिरो, इच्छा भी नहीं बाहर जाने की तभी बाहर जाओ, पिकनिक को चले जाओ, ऐसे लोगों के लिए काम करो कि जो लोग आपने जो उनके ऊपर कुछ मतलब उपकार किया हुआ है, तो उपकार का वापसी वो नहीं कर सकते,
लोगों के लिए एक तो फाइनेंस में कुछ तो भी मतलब फाइनेंशियल आपको देना है, फाइनेंशियल दे सकते हैं, फाइनेंशियल नहीं दे सकते तो उनको जो भी मदद करना है ऐसे लोगों के लिए काम करो कि जो लोग आपको जो भी आपने उनके लिए किया है वापस नहीं कर, ऐसे लोगों के लिए काम करो, लोगों के साथ में रहो, है ना। तो ऐसा जब करेंगे आप, बाहर रहेंगे और टेस्ट करेंगे अपने थॉट्स को कि वो रियलिटी नहीं है, तो डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा यदि डिप्रेशन है कि सुसाइड के थॉट्स आ रहे, खुदकुशी करने के थॉट्स आ रहे, खुदकुशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेगा, मैं मर जाएगा, कोई कोशिश किया है तो तुरंत दवाई देने की जरूरत है। बहुत ही ज़्यादा उसने अटेम्प्ट वगैरह किया होगा, खुदकुशी करने की कोशिश किया होगा, उसमें से बच गया होगा, डिप्रेशन बहुत थॉट्स बुरे बुरे आ रहे, पता नहीं क्या करेंगे, तो टाइम पड़ा तो शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है, मगर देने की जरूरत नहीं, वहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं जब हमने पहली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स को रियलिटी बना के रखा हुआ है, ये निगेटिव इमोशन से उसको रियलिटी बना के रखा हुआ है, वहीं हमने उसको कर्टेल किया तो उसका डिप्रेशन ठीक होने में मदद हो जाएगी। तो ये आप करते हैं तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है, मगर लोग बोलते नहीं, बोलते हम क्या पागल हो गए कि हमको ऐसा क्यों कर रहे भाई, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आप उनको यदि सलाह मशवरा करने के लिए उनको कुछ बताते हैं कि भाई आप काउंसिलिंग कर लो, या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, फिर हमारे पास में हिप्नोसिस है, हिप्नोथेरेपी है, फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, NLP है, या फिर मेडिटेशन है, ऐसे माध्यम से भी वो अच्छा हो सकता है, ऐसा उनको आप बोल सकते हैं और उनका वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ कंसल्टेशन करके इलाज कर सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आपका उसमें पार्टनरशिप हमको चाहिए। आप लोगों को अच्छा करने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।